जय हिंद साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आईटीबीपी में हम सीए ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें लॉगिन करना होगा हमारी जो पेस्लिप वाली वेबसाइट है उसके ऊपर, और वहीं पे हमारे को ऊपर की तरफ सीए का ऑप्शन मिलेगा और एक ऑप्शन नीचे ये जो ब्लैक साइड की स्लाइड है इसके अंदर ही मिलेगा आपको सीईए अलाउंस के नाम से। उसके ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे पास एकेडमिक ईयर, सेलेक्ट एकेडमिक ईयर का एक ऑप्शन आएगा, तो उसके हमने किस एकेडमिक ईयर का जो सीए लेना है उसको अप्लाई करके प्रोसीड करना है। उसके बाद हमारे पास कॉलम आएगा कि हमारी जो जानकारी है, बैंक अकाउंट है, रेजिमेंटल नंबर है, रैंक है, नेम, वेंडर आईडी, सब कुछ चेक करना है कि सही है कि नहीं है। उसके बाद अपने बच्चे का नाम एड चाइल्ड करना है और कंपनी क्वाय जो गवर्नमेंट है, जैसे आप किस में हैं, आईटीबीपी में हैं तो इन सपोर्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैं या नहीं, आपकी वाइफ है या नहीं है, या हस्बैंड है या नहीं है जॉब के अंदर। और सीए का आवेदन करने से पहले अपनी पूरी जानकारी को चेक कर ले, अगर वो सही नहीं है तो आप अपनी होम ब्रांच मतलब एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच में संपर्क करें। उसके बाद प्रोसीड पे ओके करें, सेलेक्ट नेम चुनें और प्रोसीड पे ओके करें। इसके बाद हमारा जो सर्विस बुक में बच्चों के नाम चढ़े हुए हैं सभी बच्चों के नाम आ जाएंगे। उसके अंदर जिन जिन बच्चों का हमने लेना है, इनमें हम एक ही बार में दो ही बच्चों का रिवर्समेंट ले सकते हैं, तो उनकी पूरी जानकारी आ जाएगी। इसके अंदर हमें कौन सी क्लास में है, एडमिशन नंबर क्या है, रोल नंबर क्या है, सेक्शन क्या है, सभी जानकारी इसके अंदर डालनी होगी। और जो हमारे को सर्टिफिकेट मिलते हैं उनको यहाँ पे अपलोड करके प्रोसीड के ऑप्शन पे यस करना होगा। अगर आपका बच्चा हॉस्टल में है तो आप हॉस्टल के ऑप्शन को यस करेंगे तो आगे हॉस्टल की जानकारी और बिल को इसके अंदर अपलोड करेंगे यस करके, अगर नो करेंगे तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही ईजी ऑप्शन है। और अगर आप पति पत्नी दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉई और दोनों बच्चों का रिवर्समेंट सीए क्लेम लेना चाहते हैं तो दोनों नहीं ले सकते, आप दोनों में से एक ही अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप बच्चे के शिशु हकदार हैं तो एड चाइल्ड, यदि एक से दो हैं तो एक ही बार में हम अप्लाई कर सकते हैं एक ही दोनों बच्चों का, पहले एक बच्चे का कर सकते हैं फिर उसके बाद दूसरे का एड चाइल्ड का ऑप्शन में जाकर दूसरे का कर सकते हैं। अगर गलत भरा गया तो डिलीट का ऑप्शन भी है और वीव स्कूल सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं कि अपलोड हो गया कि नहीं हो गया है, हॉस्टल सर्टिफिकेट अपलोड हो गया। उसके बाद हमारे पास पूरी जानकारी आ जाएगी कि आपके बच्चे का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है। अगर ये बिल्कुल सही भरा गया है, आप क्लेम जिनका क्लेम विवरण एड चाइल्ड करने के बाद हो गया है, हॉस्टल इसके बाद आएगी आपकी हॉस्टल जानकारी कि आपने ये चीज़ें इसके अंदर भरी हैं, तो उसके बाद आप तुरंत फिर अगर आपका ये सही है तो प्रोसीड पे ओके करना, जो एरो के निशान से दर्शाया गया। बहुत ही इजी तरीके से हम इसको भर सकते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। अगर आपकी इसमें किसी बच्चे का नाम या किसी भी चीज़ में आपकी त्रुटि पाई जाती है तो आप स्थापना शाखा में संपर्क करें। और यदि आप पति पत्नी केंद्र सरकारी कर्मचारी हैं तो दोनों में से केवल एक ही क्लेम कर सकता है, आप दोनों क्लेम नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे ये ऑप्शन है आपकी योर ब्रांच कौन सी है आपकी, वो भरेंगे। यदि आपका जो हस्बैंड या वाइफ जो भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है, तो प्रोसीड पे ओके करेंगे। ये काफ़ी अच्छी प्रोसेस दिखाई गई है सेंट्रल फोर्स के द्वारा। आपके द्वारा भरा गया फॉर्म दिखाई देगा कि बटन एप्लीकेशन में आपने क्या क्या भरा है, आप इसके अंदर बैक साइड में जाके एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपका ये सही है, बिल्कुल इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो आप यहाँ से साइन करके इस एप्लीकेशन को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं दोबारा ब्राउज करने के लिए, और सबमिट एप्लीकेशन पर ओके करेंगे। जनरेट्स ये एप्लीकेशन फ्रॉम साइनिंग एंड अपलोड,
यहाँ से हम कर सकते हैं, रेड कलर का लेफ्ट साइड की तरफ है, और राइट से ब्राउजिंग जो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जब हमारा फॉर्म भरा जाएगा तो बिल्कुल आपको आईटीबीपी के इस फॉर्म में ये फॉर्म भरा हुआ दिखाई देगा। इसके ऊपर हमने साइन करना है और दो जगह साइन करना है इसमें, जहाँ पर रेड एरो दिखाए गए हैं, और ये एप्लीकेशन हमारी सबमिट हो जाएगी। और ये एक कॉपी हमें एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच में भी देनी है। आपके एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपके उनका स्टेटस इस तरह से दिखाएगा, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गया, अप्रूव्ड बाय यूनिट हो जाए, सेंसन हो जाएगी, सेंसन के बाद सबमिट बाय सीआरओ हो जाएगी, वेरीफाइड बाय सीआरओ, पेंडिंग फॉर पेमेंट के लिए। इनमें आपको सारी चीज़ें दिखाएगा कि आपने इसमें क्या क्या भरा हुआ है। किसी भी प्रकार की अगर समस्या होती है इस चीज़ में, यूनिट फॉर्मेशन के माध्यम से आईटी सेल में या डायरेक्टर में अवगत कराएं। थैंक यू, और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।